दोस्तों, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप अभी एक मैसेज देख रहे होंगे कि BFF लिखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट सुरक्षित है या नहीं है। अगर BFF ब्लू कलर का बन जाता है तो आपका अकाउंट सुरक्षित है। ऐसे बहुत सारे मैसेज वायरल हो रहे हैं और बहुत सारे मैसेज पे लोग लिख के ये सोच रहे हैं कि उनका अकाउंट सुरक्षित है और उनके अकाउंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये एक फेक न्यूज़ है और इसके पीछे सच्चाई कुछ अलग है। नमस्कार, यही बताने जा रहा हूँ वीडियो में कि BFF का जो कमेंट बॉक्स में लिखने का मतलब है उससे होता क्या है और वो फेसबुक का कौन सा फीचर है, उससे कोई भी अकाउंट की पुष्टि होती नहीं है कि वो सुरक्षित है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल अमित पांडे। अभी एक न्यूज़ आई थी कि बहुत बड़ी एक कंपनी है डेटा सर्वे की, उन्होंने कुछ डेटा ब्रीचिंग की थी, मतलब कि दो डेटा हैं लोगों के, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके वो डेटा का लेन देन किया था, इस तरीके की न्यूज़ आई थी। तो फेसबुक के शेयर जो हैं वो भी गिरे थे और बहुत बड़ी एक न्यूज़ बनी थी। तो उसी के चक्कर में जो इंडिया में, मैं जहाँ तक फेसबुक यूज़ करता हूँ तो इंडिया में बहुत सारे मैसेज ऐसे वायरल होने लगे हैं कि आप अगर BFF लिखते हैं, BFF, तो अगर आपका BFF लिखने के बाद कमेंट बॉक्स में वो ब्लू कलर का हो जाता है तो आपका अकाउंट सुरक्षित है, और अगर वो ब्लू कलर का नहीं होता है तो आपका अकाउंट सुरक्षित नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BFF जो फेसबुक पे लिखते हैं और उसमें अकाउंट सुरक्षित है या नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि BFF लिखने से कमेंट बॉक्स में या तो ब्लू होने से कोई भी अकाउंट की प्राइवेसी या सिक्योरिटी का मतलब नहीं है। ये फेसबुक का एक डिलाइट फीचर है। अगर आप BFF लिखते हैं तो दो हाथ आपके ऊपर आते हैं, जैसे कि पहले कॉन्ग्रेचुलेसन लिखने पे हमारे एक बलून निकलता था और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेसन का वर्ड कुछ अलग कलर में, मिस ऑरेंज कलर का हो जाता था। वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो देके बताता हूँ, ये मेरा ही वीडियो है और इसमें मैं आपको BFF लिख के बताता हूँ तो किस तरीके के काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं BFF लिखता हूँ, मैं यहाँ पे BFF लिखता हूँ और ये देखिए आपको दिखा दो हाथ गए। इसी तरह से मैं कॉन्ग्रेचुलेसन भी लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कि गुब्बारा आएगा। तो यही बात मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी फीचर्स नहीं है और ये एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और बहुत सी न्यूज़ ऐसी घूम रही है। तो इस तरीके का एक फेसबुक का सिंपल फीचर है, इसमें सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप BFF लिखते हैं और ब्लू कलर का हो जाता है तो इससे कुछ अकाउंट का लेना देना नहीं है। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर BFF आप लिखते हैं और वो ब्लू नहीं होता उसका क्या मतलब है। तो अगर आप फेसबुक का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, m.facebook.com यूज़ कर रहे हैं, या तो फिर मोबाइल में आपके फेसबुक का जो ऐप है वो अपडेट नहीं है, तो इस तरीके की जो है, अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें BFF लिखने के बाद भी वो ब्लू नहीं होता है, तो इसका कोई भी सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है। मैंने बहुत सी फेसबुक पे पेज देखे हैं जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं और पेज जो है जेन्युइन है, फिर भी उस इस तरीके की फेक न्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं और लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लोग उसमें BFF लिख रहे हैं और अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि एक फेक न्यूज़ है, BFF का सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक फेसबुक की सिर्फ एक ये एक फेसबुक का सिर्फ एक फीचर है जो BFF लिखने के बाद आपका ब्लू कलर का हो जाता है और दो हाथ ऊपर आते हैं। तरीके की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहा हूँ। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस तरीके की फेक न्यूज़ जो है वो बंद हो और लोगों को सच्चाई का पता चले। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब ठीक बा।